हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंगल लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम, जो ये कहता है कि अगर आपके पास एक सिंगल लिंक लिस्ट है और उसमें से कोई भी एक पोजीशन दिया जाए तो आप उस पोजीशन से किसी नोड को कैसे डिलीट करोगे। यानी ये कोड है एपी डिलीट, एनी पोजिशन डिलीट, यानी किसी भी पोजिशन पर आपको कोई एक नोड है उसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मान लीजिए मेरा ये लिंक लिस्ट है, सपोज दिस इज आवर लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट हमने बना लिया, ठीक है। और आप जानते हैं लिंक लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट एड्रेस रखता है वो 100 है, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। 100 ये हो गया, हर में दो सेक्शन है ना, एक डेटा सेक्शन है, एक नेक्स्ट सेक्शन है, फिर डेटा, फिर नेक्स्ट, फिर डेटा, फिर नेक्स्ट, फिर डेटा, फिर नेक्स्ट, और लास्ट में क्या होता है, नल होता है ना। पांच मान लीजिए एलिमेंट है 5, 10, 15 और 20, और यहाँ ये 100 का एड्रेस रखता है, ये 200 है, ये 300 है और ये 400 है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 200, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 300, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये लास्ट में नल है। तो कहने का मतलब अगर आपका ये लिंक लिस्ट है तो इस लिंक लिस्ट में से मैं किसी पोजिशन बोलू, मैं बोलू फर्स्ट नोड को डिलीट कर दो तो आप फर्स्ट नोड डिलीट कर दीजिए, मैं बोलू लास्ट नोड को डिलीट कर दो तो लास्ट नोड आप डिलीट कर दीजिए, या किसी भी दिए गए पोजिशन में मैं कहूं कि थर्ड पोजीशन को, यानी 1, 2, 3 इसको डिलीट कर दीजिए। सो आपको एक ऐसा कोड लिखना है कि किसी भी दिए गए पोजीशन के नोड को क्या किया जा सके, डिलीट किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे काम करेंगे तो देखो क्या है, हमारा जो कोड है वो है एनी पोजीशन डिलीट। द कोड इज फॉर व्हाट, एनी पोजीशन डिलीट, यानी कि किसी भी पोजीशन से आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ जो देखिए क्या करेंगे, जब कोड लिखेंगे तो सबसे पहले लिंक लिस्ट बनाएंगे। कोड लिखने में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाएंगे और लिंक लिस्ट में आप क्या देंगे, एजम्पशन देंगे। सबसे पहले आप क्या देंगे, एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, एजम्पशन का मतलब है कि आप कुछ बता रहे हो एग्जामिनर को अपने इस लिंक लिस्ट के बारे में, कुछ बताना पड़ेगा। वो कुछ क्या बताना पड़ता है, अगर आप सिक्वेंशियली फॉलो कर रहे हैं तो वो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि सपोज दिस इज अ लिंक लिस्ट, यानी माना कि एक लिंक लिस्ट है, दिस इज अ लिंक लिस्ट, यानी माना कि ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, हुज फर्स्ट एड्रेस, यानी जिसका फर्स्ट एड्रेस जो है, हुज फर्स्ट एड्रेस इज स्टोर्ड इन, यानी इसका फर्स्ट एड्रेस जो है वो स्टोर है किसमें, स्टोर्ड इन हेड पॉइंटर, यानी किस कहां पे, हेड पॉइंटर में स्टोर है, विच इज ग्लोबल इन नेचर, जो क्या है, ग्लोबल है नेचर में, विच इज ग्लोबल इन नेचर, ठीक है। अब देखिए मैंने ये बता दिया कि भैया ये मेरा लिंक लिस्ट है, ओके, लिंक लिस्ट का ये फर्स्ट एड्रेस है और साथ ही साथ हेड जो है वो ग्लोबल इन नेचर है। तो ग्लोबल इन नेचर का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि उस हेड को आप पूरे अपने एंटायर प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, यही मतलब, मतलब इसलिए मैंने यहां लिखा, ओके। नाउ अगर हम आगे बढ़े तो फिर क्या करेंगे, फिर आगे बताएंगे कि द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज, यानी स्ट्रक्चर जो नाम है वो क्या है, नोड है, क्योंकि हमने नाम क्या दिया उसको, नोड दिया हुआ है, और चूंकि ये लिंक लिस्ट बना हुआ है तो दिख रहा है कि हर एक सेक्शन में डेटा नेक्स्ट ऑलरेडी है, यानी दो ही पार्ट है हर एक नोड का। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी फंक्शन में तीन पार्ट होते हैं आपको पता है, सबसे पहला क्या होता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है। वैसे प्रोटोटाइप अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अगर आप समझदार हैं तो जो मैं बोलने जा रहा हूं वो समझ में आएगा, इसका मतलब आप डेप्थ में पढ़ रहे हैं, सी डेप्थ में पढ़ के आए हैं, अगर नहीं समझ में आए इसका मतलब आपका सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला है। अब क्या है प्रोटोटाइप, देखो प्रोटोटाइप तीन चीजें होती है, किसी फंक्शन में तीन चीजें होती है, प्रोटोटाइप, फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन का कॉल, फंक्शन का कॉल और फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन, ये तीन चीजें होती है सबको पता है ना, डेफिनेशन। अब क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप ऑप्शनल होता है, यानी आप प्रोग्राम में इंक्लूड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके सोचिए कि सी में किस कंडीशन में हम प्रोटोटाइप दे सकते हैं, किस कंडीशन में प्रोटोटाइप छोड़ सकते हैं, फिर प्ले करके जब सोच लीजिएगा तो प्ले करके देखिएगा कि आपने आंसर सही वेरीफाई किया या नहीं किया, या आपके प्रोग्रामिंग के, सी प्रोग्रामिंग के डेप्थ नॉलेज को क्लियर करेगा। तो आंसर ये है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और हैश इंक्लूड वगैरह लिखा और फंक्शन डायरेक्टली मेन के ऊपर डिफाइन कर दिया, यानी जो भी फंक्शन आप लिख रहे हैं अगर आपने उसको मेन के ऊपर ही डिफाइन कर दिया तो फंक्शन के प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने पहले मेन डिफाइन किया और बाद में चाहते हैं कि मैं उस फंक्शन को डिफाइन करूं, पहले मेन और नीचे फंक्शन, तो उस फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको मेन के ऊपर लिखना
पड़ता है, यानी कि अगर फंक्शन मेन के ऊपर है तो प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन मेन के नीचे है तो मेन के ऊपर उसका प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। पता था यानी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो प्रोटोटाइप सबसे इजीएस्ट लेके हम चल रहे हैं, void यानी कि नो रिटर्न, फंक्शन का नाम एपी डिलीट यानी एनी पोजिशन डिलीट, और हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक है, यानी नो आर्ग्यूमेंट, ओके बच्चा, नो रिटर्न। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो एपी डिलीट नाम का फंक्शन आप क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डेफिनेशन, तो चलिए देखते हैं। void फंक्शन रिटर्न टाइप है, एपी डिलीट फंक्शन का नाम है, और हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आते हुए भी एक चीज तो आ ही रहा है, वो क्या है हमारे पास, हेड विच इज द फर्स्ट नोड्स एड्रेस, यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड हमारे पास आ रहा है। क्यों, क्योंकि हेड जो है वो क्या है, ग्लोबल है इन नेचर, तो ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी आप यूज कर सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर। नाउ अब अगर हमें डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यूजर से पोजीशन पूछना होगा कि भैया किस पोजीशन को आप डिलीट करना चाहते हो, और क्या पूछना पड़ेगा, हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, किस चीज की काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा। क्यों, अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि जीरोथ एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो जीरो भी इनवैलिड पोजीशन है, कोई बोलेगा फिफ्थ को डिलीट कर दो, फिफ्थ भी इनवैलिड पोजीशन है, तो हमको पोजीशन जो यूजर दे रहा है वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो पोजीशन ट्रू है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले नोड्स की संख्या को गिनना पड़ेगा, कितने नोड है, तो काउंटिंग नोड वाला प्रोग्राम यहाँ पे थोड़ा सा उसका पार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड टाइप का, देखिए हम चूंकि हेड को नहीं रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हेड के पास फर्स्ट एड्रेस है, तो हम एक नोड टाइप का क्या लेते हैं, टीएमपी लेते हैं, ठीक है। और टीएमपी इक्वल टू क्या कर देते हैं, हम सेट कर देते हैं स्टार्ट, देखिए कहीं कहीं स्टार्ट नाम होता है, कहीं कहीं हेड होता है, तो ठीक है आपकी मर्जी है, जैसे हमने हमेशा हेड यूज किया, तो लीजिए हेड करते हैं, तो हेड यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 ही है ना। अब हम ये नहीं बना के यहाँ पे हेड लिख देते तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हेड को थोड़ा अलग रखा है क्योंकि वो हेड है, थोड़ा उसको फील लेने दीजिए, हेड है, दोनों एक ही चीज है। अब टीएमपी कहाँ चला गया, तो टीएमपी भी वहीं चला गया जो हेड में था, तो हेड में 100 था इसीलिए टीएमपी में भी क्या आ गया, क्योंकि हेड में 100 था इसीलिए टीएमपी में भी 100 आ गया। अब हमें काउंटिंग करनी है, तो हम लूप लगाएंगे ना, काउंटिंग का लूप याद है कैसे था बताइए, जब तक कि टीएमपी इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक कि टीएमपी नल तक नहीं पहुंच जाता है तब तक आप क्या करेंगे, काउंट को एक से बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट भी करेंगे ताकि वो अगले नोड पे क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो टीएमपी नॉट इक्वल टू नल, हाँ भैया नहीं नल है, 100 है, तो काउंट को एक से बढ़ा दो, तो काउंट कितना था शुरू में, काउंट जीरो था ना, हाँ तो चलो लिखो ना पहले यहाँ की काउंट क्या था, जीरो था, है ना बच्चा, पहले लिखेंगे यहाँ काउंट जीरो था। अब काउंट प्लस प्लस हुआ, हाँ जी एक से बढ़ गया, टीएमपी को उसके नेक्स्ट पे सेट कर दो, टीएमपी से हट गया, कहाँ सेट हो गया, यहाँ पे सेट हो गया। अब ये लूप है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, टीएमपी इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल टीएमपी 200 है, नल नहीं है, नहीं है तो फिर से काउंट एक से बढ़ेगा, काउंट 2 हो गया, टीएमपी को फिर से नेक्स्ट पे सेट कर दो, टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, टीएमपी में 300 आ जाएगा, ये आ गया टीएमपी। फिर यहां से ऊपर गया, टीएमपी नल नहीं है ना, टीएमपी में कितना है, 300 है, नल नहीं है, तो कहता है काउंट को बढ़ा दो, बढ़ा दिया लीजिए, और टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, टीएमपी में टीएमपी का नेक्स्ट डाल दीजिए, तो टीएमपी में जब टीएमपी का नेक्स्ट डाल दीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, बिल्कुल। फिर ये ऊपर जाएगा, टीएमपी इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं अभी भी नल नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, टीएमपी 400 है, टीएमपी का डेटा 20 है, और टीएमपी का नेक्स्ट नल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ तो फिर अगर नहीं है तो क्या, काउंट को बढ़ाया, अकाउंट कितना हो गया, 3 से 4 हो गया, और टीएमपी इक्वल टू, जब टीएमपी का नेक्स्ट इस बार होगा तो टीएमपी का नेक्स्ट में क्या है, नल है, तो टीएमपी में भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, राइट। सो नाउ अब हमारा जब ऊपर लूप जाएगा और चेक करेगा टीएमपी नल नहीं है, तो नहीं भैया टीएमपी तो नल है, तो लूप क्या हो गया, टर्मिनेट। तब तक देखिए काउंट में कितना आ गया, 4, ऑब्वियसली 1, 2, 3 और 4 टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये हमने काउंट कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें आगे क्या करना है, हमें चेक करना है, यूजर से पोजीशन पूछते हैं, पहले हम क्या कहते हैं, पोजीशन पूछते हैं कि प्रिंटर स्लैश एन एंटर पोजीशन टू डिलीट, यानी कि वो पोजीशन दीजिए जो आप डिलीट करना चाहते हैं, एंटर पोजीशन टू डिलीट, और जो भी पोजीशन दिया है उसको कहां रीड कर लेंगे, स्कैन ऑफ इंटीजर टाइप का डेटा है, कॉमा एम्परसेंड किस में, पीओएस में क्या कर लिया, रीड कर लिया, तो पीओएस यहां है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंडीशन देखते हैं, मान लीजिए पोजीशन में 0 दिया, इनवैलिड है ना, तो यह चेक करेंगे कि अगर पोजीशन में डाला गया वैल्यू लेस देन 1 है, क्योंकि मिनिमम फर्स्ट नोड को आप डिलीट कर सकते हैं, मैक्सिमम फोर्थ नोड को डिलीट कर सकते हैं जो काउंट में है, मैक्सिमम मिनिमम जो है वो फर्स्ट नोड को डिलीट कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्थ नोड को डिलीट कीजिएगा तो ये नोड हो जाएगा,
नहीं, लेकिन अगर कोई फिफ्थ बोलेगा, कोई जीरो बोलेगा तो नहीं कर सकते ना, द पोजिशन इज लेस देन वन, हाँ इस कंडीशन में तो है, और या पोजिशन इज ग्रेटर देन काउंट, यानी कि पोजिशन काउंट से बड़ा है। जैसे मान लिया अभी इसके लिए समझिए, मैं यहां पर लिख दू प्रिंट एफ इनवैलिड पोजिशन, मैं यहां लिख देता हूं इनवैलिड स्लैश एन के साथ, लिखिए हमेशा याद रखिएगा स्लैश एन के साथ, हर बार नया लाइन में आएगा तो अच्छा मैसेज लगता है, मिला पहले वाले वैल्यू के साथ नहीं आता है, इनवैलिड पोजिशन, ठीक है। ये अब इनवैलिड पोजिशन का कॉन्सेप्ट समझिए, मान लीजिए किसी ने पोजिशन में जीरो दिया, पोजिशन इज लेस देन वन, हाँ जी बिल्कुल जीरो इज लेस देन वन, परफेक्ट, क्या लिख देगा इनवैलिड पोजिशन, सही हो गया। अब मान लीजिए किसी ने दिया कि मुझे फिफ्थ नोड को डिलीट करना है, फिफ्थ नोड है इसमें बताइए ना, एक दो तीन चार पांचवा नोड है, नहीं है तो क्या क्या कहेंगे आप, इनवैलिड पोजिशन तो कहेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे हम यहां पे कि ये है या ये है, पोजिशन इज ग्रेटर देन काउंट, पांच बड़ा है चार से, हाँ जी बिल्कुल है इनवैलिड पोजिशन। अब अगर इनवैलिड पोजिशन नहीं है तो डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि उसने मान लीजिए पोजिशन में दिया वन, तो हाँ भैया वन पोजिशन तो होता है सही है, वन देगा टू देगा थ्री देगा फोर देगा, वन देगा तो ये डिलीट करेंगे, टू देगा तो ये थ्री फोर। तो अब डिलीशन के केस में क्या होता है, इसमें भी दो केस आता है, फर्स्ट डिलीट अगर होगा, फर्स्ट पोजिशन डिलीट मतलब मान लीजिए वो पोजिशन में वन देता है, तो वन देने के केस में हमारा हेड चेंज हो जाता है, और चूंकि हेड चेंज हो जाता है इसीलिए फर्स्ट डिलीट के लिए अलग कोड होगा और उसके बाद सबके लिए एक ही जैसा कोड होगा। तो दो सिनेरियो आ गया कि क्या आप फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं या उसके अलावा जितने भी उन सबको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो एल्स में आए, और एल्स में आने के बाद सबसे पहले हम यहां चेक करेंगे कि अगर जो पोजिशन यूजर ने दिया है, ठीक है, जो पोजिशन क्या दिया यूजर ने दिया है, अगर वो एक है यानी कि वो फर्स्ट पोजिशन को डिलीट करना चाहता है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए टीएमपी लास्ट में नल पहुंच गया था, टीएमपी का काम खत्म हो चुका था, फिर से टीएमपी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम यहां क्या कहते हैं, हम यहां कहते हैं क्या, टीएमपी इक्वल टू स्टार्ट, यानी हमने टीएमपी को यहां पे सेट कर दिया, राइट। तो एक टीएमपी हमने यहां माना था, एक और मानना पड़ेगा कॉमा एस्ट्रिस टीएमपी वन, और टीएमपी वन को कितना पे सेट कर देंगे, तो टीएमपी वन इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, टीएमपी का नेक्स्ट, तो टीएमपी इक्वल टीएमपी वन इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, तो टीएमपी का नेक्स्ट में टीएमपी वन को सेट कर दो, तो टीएमपी ये है ना। अच्छा इसका नेक्स्ट ये है, यहां पे आ जाएगा क्या टीएमपी वन, नहीं आ गया, टीएमपी वन को टीएमपी के नेक्स्ट में सेट कर दो, तो टीएमपी वन को हमने टीएमपी के नेक्स्ट में सेट कर दिया, कर दिया। अब हम यहां क्या करेंगे, मुझे इसको डिलीट करना है ना क्योंकि फर्स्ट पोजिशन है, इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे जब ये डिलीट हो जाएगा तो हेड के पास फर्स्ट एड्रेस होना चाहिए, तो फर्स्ट एड्रेस टीएमपी वन में हो जाएगा, हो है ना अभी हमारे पास, तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेड इक्वल टू टीएमपी वन, हेड इक्वल टू टीएमपी वन, तो हेड में टीएमपी वन की वैल्यू आ जाएगी विच इज वॉट 200, ये इससे क्या हो गया कनेक्ट हो गया, हो गया। तो अब जब ये कनेक्ट हो गया तो ये तो छूट ही गया बेचारा, उसको क्या कर दीजिए फ्री कर दीजिए, वॉट टीएमपी खत्म हो गया, फिनिश, और यहां मैसेज क्या दे दीजिए प्रिंट एफ स्लैश एन डिलीशन सक्सेसफुल। ये कब का केस हो गया बच्चा, ये केस हो गया अगर आपने जो है अगर आपने यूजर ने पोजीशन में वन डाला था, तो ये एफ डिलीट का कोड है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये फर्स्ट डिलीट का कोड है। अब अगर ऐसा नहीं है यानी फर्स्ट डिलीट के अलावा कोई दूसरा पोजीशन यूजर ने दिया है, तो उसके लिए फिर से थोड़ा सा इसको करें क्योंकि एग्जांपल में आपको समझना पड़ेगा, और रन करके जब समझते हैं तो सांप सीढ़ी खेल की तरह ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना, थोड़ा सा सफाई कर देना। अब यहां ये था मेरा 100, ये था कनेक्टेड 100 से, और ये था कनेक्टेड 200 से, ये रहा 100, यहां था 200, यहां पे 5 था, ठीक है, ये मेरा लिंक लिस्ट था। अब क्या करना है हमको, हमको अगर पोजीशन में मान लो यूजर ने दिया, एक नहीं दिया, इस बार पोजीशन में वो बोलता है मेरे को थर्ड पोजीशन डिलीट करना है, ठीक है, फॉर थर्ड को कहना, तो हम एक आई नाम का वेरिएबल लेते हैं और लूप लगाते हैं, फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन पोजिशन माइनस वन और आई प्लस प्लस, तब तक एल्स में इसके पहले क्या करेंगे, फिर से टीएमपी का कोई काम नहीं है, या तो यहां काम होकर खत्म ही हो जाएगा, इस पे तो आएगा नहीं, और अगर फिर से अगर आप टीएमपी यूज करें तो नहीं कर सकते हो, तो फिर से आप टीएमपी जहां भी था तो कहां होगा, नल पे होगा ना, क्योंकि यहां पे गिनती गिनने के बाद, सॉरी कहां गया, यहां यहां पे गिनती गिनने के बाद टीएमपी कहां पहुंच जाता, नल पे। अब अगर फर्स्ट पोजिशन वाला होता तो यहां पे काम करके खत्म हो गया, नहीं हुआ तो फिर से टीएमपी स्टार्ट ही है ना, तो चलो ये टीएमपी को स्टार्ट पे सेट कर दो, यहां से टीएमपी हट गया
यहाँ आ गया स्टार्ट यानी स्टार्ट 100। अब मैंने स्टार्ट क्यों लिखा, यहाँ पे स्टार्ट क्या है, कुछ है नहीं है, यहाँ पे क्या हेड है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हेड, यानी TMP इक्वल टू हेड। तो TMP वही पहुंच गया जहां पे हेड है, तो 100 पे आ गया TMP। नाउ व्हाट, I इक्वल टू 1, I इज इन पोजीशन माइनस 1 और I प्लस प्लस हमने कर लिया, हाँ जी कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, TMP को बस बढ़ाएंगे, तो TMP इक्वल टू TMP का नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि हमको उस पोजीशन पे TMP को लेके जाना है जिसे डिलीट करना है, जिससे क्या करना है डिलीट करना है, उस पोजीशन पे क्या करना है, हमको TMP को लेके जाना है। तो देखिए I इक्वल टू 1, तो चलिए एक I नाम का वेरिएबल था सेट कर लिया, लेस देन पोजीशन माइनस 1, तो I को 1 पे सेट करने चेक किया कि क्या I की वैल्यू छोटी है पोजीशन माइनस 1 से, तो पोजीशन में अगर 3 है तो पोजीशन माइनस 1 नहीं, 2, 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल सही है। TMP को टू TMP का नेक्स्ट, तो TMP को यहां से हटाओ, उसके नेक्स्ट पे डाल दो, लो भैया डाल दिया। अब ये लूप है, ठीक है, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, I को बढ़ाएगा, I कितना हो गया 2 हो गया, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि I की वैल्यू पोजीशन माइनस 1 से छोटी है क्या, I में कितना है 2, 2 छोटा है 3 से, नहीं छोटा नहीं है, तो लूप टर्मिनेट, TMP यहां पहुंच गया। फिर से वही काम, अब क्या करेंगे, इस फॉर के साथ सिर्फ यही एक स्टेटमेंट जो है वो जुड़ा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा मैं इनवैलिड पोजीशन को थोड़ा सा शॉर्ट लिख दूं, छोटा सा लिख दूं, तो मुझे सीधे पे जगह मिल जाएगी ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको लिख देता हूँ, स्लैश एन इनवैलिड पोजीशन, ठीक है, ये अब मेरे को जगह इधर मिल गई। अब इस फॉर के साथ सिर्फ यही एक स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ अगर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज नहीं है तो सिर्फ उसके बाद वाले एक स्टेटमेंट को इसके साथ समझा जाता है। तो ये हो गया, अब हमारा टेम्प यहां पहुंच गया, अब बस वही करेंगे। देखो अब मुझे डिलीट, मुझे पता है कि TMP के नेक्स्ट वाले को डिलीट करना है, तो उसके नेक्स्ट पे किसी को सेट कर दो ना, TMP1 बेकार पड़ा हुआ है ना, भी देखो ना पड़ा हुआ है TMP1 बेकार, तो TMP1 इक्वल टू व्हाट, TMP1 का, TMP1 इक्वल टू TMP का नेक्स्ट, TMP का नेक्स्ट, तो TMP1 को कहां सेट कर दो, TMP के नेक्स्ट पे सेट कर दो, तो TMP के नेक्स्ट पे किसको सेट कर दिया, TMP1 को सेट कर दिया। अब मुझे पता है ये TMP1 ही है जिसका खून करना है, है ना, जिसको कतल कर देना है, फिनिश कर देना है, जिंदगी इसकी खत्म करनी है। तो अब क्या करेंगे, देखो तो अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो इस डिब्बे को हटाने के लिए इस डिब्बे का कनेक्शन इस डिब्बे से करना होगा, कैसे करेंगे बताइए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, देखिए सोचिए समझिए कि क्या स्टेटमेंट लिखना होगा, और फिर प्ले करके देखिए कि आप समझे नहीं समझे, ये अपने आप को आप इंप्रूव करेंगे इस तरीके से। तो क्या करना होगा, मुझे इसको हटाना है तो इसके यहाँ पे मुझे 400 चाहिए, 400 चाहिए, तो ये TMP है, ये इसका नेक्स्ट है, यहां क्या हो जाएगा, TMP के नेक्स्ट में क्या डाल दो, TMP1 का नेक्स्ट डाल दो, तो TMP के नेक्स्ट में यहां पे क्या डाल दो, TMP1 का नेक्स्ट कितना है 400 है ना, यहां हमने क्या डाल दिया 400 डाल दिया। अब ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, हाँ जी हो गया। अब ये हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे फ्री, और किसको फ्री कर देंगे TMP1 को, और यही सेम मैसेज यहां डाल देंगे, प्रिंटफ व्हाट स्लैश एंड डिलीशन सक्सेसफुल, यानी कि डिलीशन का काम जो है वो क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया, डिलीशन सक्सेसफुल, ओके, और ये एल्स बंद हो जाएगा। तो देखो फ्री कर दिया ना, तो फ्री मतलब इसको डिलीट कर दो, ठीक है, और यहां पे एल्स शुरू हुआ था, एल्स बंद हो गया, इफ शुरू हुआ था, इफ बंद हुआ, अब ये फंक्शन शुरू हुआ था, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप चाहो ना तो इसको रन करके देखो, अगर मान लो पोजीशन में मैंने 2 के लिए कर लिया ना, अब आप फोर्थ करके देखना, नहीं पोजीशन मैंने 3 दिया था, 3 के लिए दिया, आप चाहो तो फोर्थ पोजीशन करके भी देखना, ये कोड परफेक्टली रन करेगा। क्यों रन करेगा, व्हाट्स द रीजन, क्योंकि दो ही कंडीशन है, या तो फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट पोजीशन में ही हेड को हमें चेंज करना होता है, इसलिए उसके लिए अलग कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये है एक फुल फ्लेज्ड फंक्शन जो किसी भी दिए गए पोजीशन से क्या करेगा, वैल्यूज को डिलीट, मतलब नोड को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो ये है आपका कोड। अब इस कोड को हमें पता चलना चाहिए कि मेन प्रोग्राम में कैसे डालेंगे, कहां पे प्रोटोटाइप डालेंगे, या प्रोटोटाइप नहीं होगा तो नहीं डालेंगे, लेकिन फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा, डेफिनेशन जो है वो लिखना पड़ेगा, तो कैसे इसे मेन प्रोग्राम के साथ अटैच करेंगे, चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, और प्रैक्टिकली करने के लिए मैं जिस एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहा हूँ वो कोड ब्लॉक से, आप इसको कहीं दूसरी जगह भी रन कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का कोड है, जो फंक्शन है, वो है एनी पोजीशन डिलीट, यानी किसी भी दिए गए पोजीशन के नोड को हमें सिंगल लिंक लिस्ट से डिलीट करना है। तो देखिए उसके लिए ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, ये सारा प्रोग्राम है जो हम शुरू से लास्ट तक अभी तक करते आ रहे हैं, जिसमें हमने लिंक लिस्ट को क्रिएट भी किया है, फिर आगे चल के देखेंगे तो लिंक लिस्ट को डिस्प्ले भी किया है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन, लिंक लिस्ट में हमने नोड को फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट किया है, लिंक लिस्ट में हमने नोड को जो है वो लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट किया है, उन सारे फंक्शन को रन करते करते हम अब यहाँ पहुंचे हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, क्या देखिए, एनी पोजीशन इंसर्ट है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट डिलीट है,
हमने लास्ट डिलीट भी कर दिया और आज जो हम करने वाले हैं एनी पोजीशन डिलीट करने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं मेन के अंदर आके हम क्या करते हैं चॉइसेस को बढ़ाते चले जाते हैं। तो देखिए थ्री एक से क्रिएट लिस्ट था, दो से डिस्प्ले था, थ्री से जो है वो इंसर्ट एट फर्स्ट पोजिशन था, फोर से जो है इंसर्ट एट लास्ट पोजिशन था। मतलब पुराना सारा जो है हम क्या कर रहे हैं एक एक चीज़ को उसी प्रोग्राम में कंटिन्यू करके हम आपको रन कराते चले जा रहे हैं। और ये सेवन हो गया और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एट पे लास्ट डिलीट था और नाइन पे एग्जिट था, तो अब हमें एक चॉइस बढ़ानी पड़ेगी। हम नाइन पे क्या बोलेंगे, नाइन पे बोलेंगे कि ठीक है एनी पोजिशन डिलीट, यानी किसी भी पोजीशन पे जो है वो एलिमेंट है उसको आप डिलीट करोगे अगर आप नाइन दबाओगे तो, ठीक है। और फिर स्लैश एंड टेन से आप क्या कर दोगे, आप एग्जिट कर दोगे, तो एक चॉइस क्या हो गया आपका बढ़ गया, यानी नाइन से हो गया एनी पोजीशन डिलीट। तो जब आप नाइन से आपने एनी पोजीशन डिलीट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ चॉइसेस में लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, नाइन पे ब्रेक करना होगा। नहीं, आप मान लीजिए फंक्शन लिखोगे इसका नाम क्या होगा, एपी डिलीट, और जब दस होगा चॉइस तब आप क्या करोगे ब्रेक करोगे। तो अगर चॉइस क्या होगा, दस होगा, तो लूप को ब्रेक करोगे। तो आपने मतलब क्या क्या चीजें लिख कर ली, आपने जो है वो मतलब ये चॉइसेस में दे दिया कि नाइन के लिए जो है वो एपी डिलीट हो जाएगा, एनी पोजिशन डिलीट हो जाएगा, और जब नाइन होगा, जब यूजर नाइन देगा चॉइस में, तो एपी डिलीट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल कर लिया जाएगा। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन भी लिखना होगा ना, तो ये देखिए ये है फंक्शन का डेफिनेशन जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। देखिए प्रोटोटाइप ये हमने यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया प्रोटोटाइप को यूज, क्योंकि प्रोटोटाइप को यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये सारा फंक्शन मेन के ऊपर लिख रहे हैं। देखिए ये जितना भी हम फंक्शन लिख रहे हैं, अभी जितना भी हमने फंक्शन लिखा है वो सब मेन के ऊपर लिखते हैं, तो जब किसी फंक्शन को मेन के ऊपर लिखते हैं ना, उस केस में हमें उसका प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं होती है, सीधे डेफिनेशन लिखना होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो अभी फंक्शन है एपी डिलीट, उसका हम यहाँ पे पूरा का पूरा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यही सारा कोड मैंने लिख के आपको समझाया है। तो यहाँ से कंट्रोल सी कर लिया कॉपी, और यहाँ के हमने क्या कर लिया कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया। चलिए इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ बिल्ड एंड रन फिर से करते हैं। तो देखिए सारे चॉइसेस जो है, देखिए कहाँ तक पहुँच गए हम, एक से लेकर दस तक पहुँच गए। तो चलिए पहले क्रिएट करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को, तभी तो कोई काम होगा। तो एक दबाया वैल्यू पाँच दिया, फिर एक दबाया क्रिएट करने के लिए वैल्यू दस दिया, फिर एक दबाया वैल्यू पंद्रह, एक से बीस, एक दबाया पच्चीस, मतलब मैं भी लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक और तीस, ठीक है। यानी कि अगर मैं अब दो दबा के लिंक लिस्ट को चेक करूँ तो देखिए लिंक लिस्ट क्या है मेरा, पाँच दस पंद्रह बीस और पच्चीस और तीस है। अब ये सारा ऑप्शन हम पहले से कर चुके हैं तो हम नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ इस बार क्या करना है, हमें एनी पोजिशन डिलीट करना है। तो जब हम एनी पोजिशन डिलीट करना है तो मान लीजिए हम नाइन दबाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए एनी पोजिशन का मतलब कोई पोजिशन, अगर मैं फर्स्ट बोलूँ तो फर्स्ट पोजिशन भी डिलीट होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं आपको देता हूँ क्या वन दबाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट पोजिशन को मैं चाहता हूँ कि डिलीट हो जाए, यानी पाँच डिलीट हो जाए। तो जब पाँच डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा, दस पंद्रह बीस पच्चीस और तीस। तो जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए क्या मैसेज देता है, डिलीशन सक्सेसफुल है ना। अब यहाँ पे अगर मैं दो करके डिस्प्ले करूंगा तो देखिए अगर पाँच चला गया सिर्फ क्या बचना चाहिए, दस पंद्रह बीस पच्चीस और तीस बचना चाहिए। तो दो दबा के एंटर कीजिए, देखिए दस पंद्रह बीस पच्चीस और तीस। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो आप ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हमारा पहले क्या था लिस्ट, देखिए पहले लिस्ट जो हमारा था लिंक लिस्ट में एलिमेंट पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस था, और यहाँ पे अब हम जब ने फर्स्ट डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, दस पंद्रह बीस पच्चीस और तीस, पहला एलिमेंट जो पाँच था वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो मतलब एनी पोजिशन का मतलब था कोई भी दिए गए पोजिशन से वो क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए मैंने, हमारा ये लिंक लिस्ट है, हमने फर्स्ट पोजिशन चेक कर लिया कि हाँ एनी पोजिशन जो है वो फर्स्ट पोजिशन से भी डिलीट कर देता है। अब क्या करेंगे, फिर से नाइन दबाएंगे और ये देखेंगे कि क्या एनी पोजिशन लास्ट वाले एलिमेंट को भी डिलीट कर पाता है। तो एक दो तीन चार पाँच फिफ्थ पोजिशन देते हैं, ठीक है, क्या मैसेज देता है, डिलीशन सक्सेसफुल। और फिर से दो दबा के देखते हैं, एंटर करके देखते हैं, तो देखिए अब एलिमेंट क्या है, 10, 15, 20 और 25, देखिए 10, 15, 20 और 25, 30 क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि लास्ट पोजीशन को भी डिलीट कर दिया। यानी एनी पोजीशन से हमने फर्स्ट पोजीशन को भी डिलीट कर दिया, एनी पोजीशन से हमने लास्ट पोजीशन को भी डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि किसी भी बीच के पोजीशन को, जैसे मैं बोलता हूं कि 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन को डिलीट करके दिखाऊं हमें, तो अगर मैं यहां पे फिर से 9 दबाता हूं तो 9 मतलब क्या हुआ, मैं एनी पोजीशन डिलीट सेलेक्ट करता हूं और फिर यहां क्या दबाता हूं, मैं थर्ड पोजीशन दबाता हूं, तो यानी कि अब क्या मिट जाना चाहिए, 20 मिट जाना चाहिए। जैसे मैं एंटर करूंगा क्या मैसेज देता है, डिलीशन सक्सेसफुल। और जब आप दो दबा के एंटर कीजिएगा तो देखिए क्या हुआ, 10, 15, 25, तो तीसरे पोजीशन पर कौन था, 20 था ना, तो 20 जब गायब हो गया तो 10, 15 और 25 बच गए, जो यहाँ पे आपको क्या रस दिखा रहा है। इसका मतलब एनी पोजीशन डिलीट से आप किसी भी दिए गए पोजीशन के एलिमेंट को, नोड को क्या कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं। मतलब हमारा ये जो कोड है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है फॉर एनी पोजिशन डिलीट। तो दिस इज द कोड फॉर एनी पोजिशन डिलीट, आप चाहें तो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं एक बार में वन ग्लांस में, यही कोड है सेम। अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं फॉन्ट, कई बच्चे कहते हैं सर एक स्क्रीन में रहता है तो समझ में आ जाता है तुरंत, तो मैं इसकी थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूं ताकि आप एक ही स्क्रीन को सारा कोड देख पाएं। तो देखिए ये है आपके एनी पोजिशन का
डेफिनेशन, ठीक है अभी भी नहीं आया, मैं फिर से थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ फॉन्ट में जाके, मैं कर देता हूँ इसको 12 पे, आई होप अब वो एक स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा, देखिए ये है, ठीक है। तो अब मतलब क्या हुआ, हमारा ये पूरा आपको दिख गया डेफिनेशन यहां से लेके यहां तक, बस यही डेफिनेशन हमने क्या किया यूज किया है, यही कोड हमने क्या किया यूज किया है जो ऑलरेडी हम आपको थियोरेटिकली समझा चुके हैं। सो दैट मींस आवर प्रोग्राम इज आल्सो वर्किंग परफेक्टली। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।